In this lesson, we are going to learn about capacity to contract. Capacity to contract. The following are competent: a person who has attained the age of majority; second, a person of sound mind; third, a person who is not disqualified by law from contracting. तो capacity of contract यानी कौन कौन contract कर सकता है, तो उसके लिए तीन शर्तें हैं. पहला है कि उसने एज ऑफ मेजॉरिटी उसकी हो, यानी कि वो माइनर ना हो, और साउंड माइंड का हो, और लॉ के द्वारा वो डिसक्वालिफाइड ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने से किसी भी रीज़न से. तो उसमें सबसे पहले देखते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी. एनी वन हु इज़ ऑफ 18 ईयर्स और मोर विल बी ट्रीटेड लाइक मेजर एंड इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. However, in following cases, age limit is 21 years. Where court has appointed a guardian under Guardian and Ward Act 1890, where minor's property is under the superintendent under the court of wards. दो cases में 21 year को age माना गया है age of majority, और वैसे normally age of majority है 18 years या उससे above. Status of minor's agreement. Minors के agreement का क्या होता है? इसमें है कि एग्रीमेंट विद माइनर्स विल वॉइड एब इनिशियो. एग्रीमेंट जो है माइनर के साथ अगर किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरुआत से ही, इनिशियल फेज से, यानी शुरुआत से ही वो वॉइड है, वो माना नहीं जाएगा. इन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये. इसमें है द प्लेंटिफ वॉज हु वॉज माइनर, ही मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी टू द डिफेंडेंट हु वॉज मनी लेंडर टू सिक्योर अ लोन. At the time of agreement, attorney of money lender had the knowledge that the plaintiff is minor. Plaintiff sue on the ground that minor's agreement is void and mortgage must be cancelled. In this case, court has held that minor's agreement is absolutely void, so he is not liable to repay his loan. इस केस में क्या हुआ था कि जब माइनर जो था उसने कुछ लोन लिया, और जिस समय वो लोन ले रहा था उस समय मनी लेंडर का जो अटॉर्नी, यानी उसका जो अटॉर्नी था, उसको ये पता था कि ये माइनर है, प्लेंटिफ माइनर, फिर भी उसने उसको लोन ग्रांट करा दिया. अब उसने जो है लोन रिकवरी के लिए जब केस फाइल किया तो कोर्ट ने उसका रिजेक्ट कर दिया कि बिकॉज वो माइनर है तो इससे लोन का रिकवरी नहीं किया जा सकता है. सेकेंड क्या है, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड इज माइनॉरिटी. If minor has borrowed some money, then money lender cannot force him to refund the money in the court of law, as agreement is void ab initio. If money is still with the minor, then only balance amount can be recovered. Even if minor misrepresents his age, he cannot be stopped from taking the plea of his minority. माइनर अगर मिसरिप्रेजेंट करके भी लोन ले लेता है, यानी मिसगाइड करके भी, तो भी वो जो है उसकी अपनी माइनॉरिटी का प्ली लेने से स्टॉप नहीं किया जा सकता है, यानी वो तब भी वो माइनॉरिटी का प्ली ले करके अब बच सकता है. हाँ, अगर उसके पास कुछ मनी शेष रह गई हो उस लोन अमाउंट की, तो वो रिकवर की जा सकती है. बैलेंस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड. रेटिफिकेशन क्या है? इट रिफर्स टू ऑथराइजिंग सम ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंटली which was done earlier beyond authority. जो transaction पहले कर लिया गया हो और पहले से कोई transaction हो गया हो, लेकिन उसको जो है, यानी कि minor जब रहा हो और बाद में उसने जो है उसको ratify कर दिया कि हाँ वो चीज़ है, तो इसमें, इस case में क्या होता है, a minor cannot ratify agreement done already during the age of minority after attaining the age of majority. माइनर जो है, कोई पहले से, जब जिस समय माइनर था उस समय उसने लोन लिया और बाद में उसने मेजॉरिटी में आकर के, मेजॉरिटी जब हुआ उसका एज का, तो उसने कहा कि हाँ ये एग्री करते हैं इससे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता. इसका सोल्यूशन क्या, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू एग्जीक्यूट अ फ्रेश एग्रीमेंट विथ सम एडिशनल कंसीडरेशन. अब यहाँ पर उसको फ्रेश एग्रीमेंट करना पड़ेगा और कुछ उसमें एडिशनल कंसीडरेशन भी होना चाहिए. In Suraj Narayan versus Sukhu Ahir, a person borrowed some money during his minority and after attaining the age of majority, he made fresh promise to pay some with interest.
इन दिस केस इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट एवरी कोर्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट नीड सेपरेट कंसिडरेशन अर्लियर कंसिडरेशन कैन नॉट बी इम्पोर्टेड फॉर अ फ्रेश प्रॉमिस. यहाँ पर चूंकि कंसिडरेशन कोई नया नहीं था तो इसने कोर्ट ने कहा कि फ्रेश कंसिडरेशन जो है सेपरेट कंसिडरेशन यहाँ पर चाहिए. देयरफॉर ही इज़ नॉट लाइबल टू फॉर फ्रेश प्रॉमिस क्योंकि कंसिडरेशन कैन नॉट बी इम्पोर्टेड. पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट से कंसिडरेशन एज इट इज़ उठा के नहीं लाए तो उसमें कुछ ना कुछ नया एडिशनल होना चाहिए वो. इन इरवाइन वर्सेज यूनियन बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द प्रीवी काउंसिल ऑब्जर्व डैट माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सो इज हिज रिप्रेजेंटेटिव. माइनर जैसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता तो वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बना करके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो ऐसा भी नहीं वो कर सकता. यानी माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली वॉइड एब इनिशियो. नेसेसरीज फॉर लाइफ इफ माइनर बोरोज मनी और डायरेक्टली अवेल्स नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज देन द सप्लायर इज एंटाइटेड टू रिकवर हिज मनी बट टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर. इट मीन्स इफ माइनर हैज नो प्रॉपर्टी देन नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम. द सप्लायर इज एंटाइटेड टू रिकवर रीजनेबल अमाउंट एंड नॉट द एग्रीड अमाउंट. अगर माइनर माइनॉरिटी के केस में कुछ जो है नेसेसरी सप्लाईज उसको की गई हों जो कि जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं तो वो पैसे वो रिकवर कर सकता है. लेकिन कहाँ तक रिकवर सकता है? माइनर जितनी माइनर की प्रॉपर्टी है उतना ही, उससे ज़्यादा उसने खर्च कर दिया तो वो नहीं रिकवर कर पाएगा जो एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ अमाउंट है. या अगर कोई एग्रीड अमाउंट नहीं है तो एक रीजनेबल अमाउंट ही वो रिकवर कर सकता है. जैसे कि ये नहीं कह सकता कि उसने 10 रुपये के खाना खिलाया बट उसने कहा नहीं मैंने तो 1000 रुपये का खाना खिलाया, तो इस तरह नहीं हो सकता. इन क्लाइड साइकिल कंपनी वर्सेस हार्गिविस कोर्ट हैज हेल्ड दैट रेसिंग साइकिल कैन बी ट्रीटेड एज नेसेसरी फॉर इन्फेंट. अब नेसेसिटीज़ हैं क्या? तो बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें रोज के जीवन यापन से संबंधित. तो इसमें ये कहा गया कि एक साइकिल रेसिंग साइकिल भी एक इन्फेंट की नेसेसिटी है. फिफ्थ है बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन मैनी केसेज दैट इफ एग्रीमेंट इज इन फेवर ऑफ माइनर देन ही कैन इन्फोर्स. इन ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज मदनलाल अ माइनर्स प्रॉपर्टी वॉज इंश्योर्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी. आफ्टर सम टाइम द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द फायर. ही क्लेम्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी. द कंपनी आर्ग्यूड दैट एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड. अब यहाँ पर कंपनी ने कह दिया कि एग्रीमेंट मेरा माइनर से था तो वॉइड है इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं दूंगा. बट इन दिस केस कोर्ट हैज हेल्ड दैट माइनर इज बेनिफिशियल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरिंग द क्लेम. माइनर यहाँ पे बेनिफिशियल है इसलिए यहाँ पे वो ये नहीं चलेगा कि माइनर है तो उसको क्लेम नहीं देंगे. द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इफ अ पर्सन कैनॉट अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंटेंट ऑफ अन एग्रीमेंट एंड कैनॉट कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन about its effect then he is treated like person of unsound mind. Agreement with such person are void. यहाँ पर क्या है कि unsound person के साथ भी agreement जो है वो agreement जो होता है वो void होता है. इसमें कई category हैं जैसे idiot, lunatic है या intoxicated या drunken है. तो उस cases में क्या होता है idiot means permanent mad of unsound mind. अगर अब परमानेंट अनसाउंड माइंड है या मैड है तो एग्रीमेंट विथ ईडियट इज वॉइड. ईडियट के साथ एग्रीमेंट टोटली वॉइड है. ल्यूनेटिक क्या है? ल्यूनेटिक वो है जिसको कि दे आर नॉट ऑफ परमानेंट ऑफ अनसाउंड माइंड. ये परमानेंट नेचर का नहीं होता है. बीच बीच में ल्यूनेटिक ल्यूनर अटैक्स आते हैं तो दो ल्यूसिड इंटरवल के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी उसको जब अटैक आया जब वो एक तरह से अनसाउंड माइंड का हो गया लेकिन फिर जब सही हो गया तो जो इस इंटरवल के बीच में उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट इज़ वॉइड. इसी तरह से ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड के केस में भी है एग्रीमेंट विद सच पर्सन व्हेन दे आर अंडर द फुल इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन और अदर थिंग इज वॉइड. जब इंटॉक्सिकेटेड है या ड्रंकन है तो उस समय वॉइड है, नहीं तो नॉर्मल केसेस में वो वैलिड होगा. विश यू हैप्पी लर्निंग. Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.